वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर जो है वो आज रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है, उसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर कैंडिडेट्स के बीच में कि आइडेंटिफिकेशन स्लिप कौन सी है, आपका करेक्टर स्लिप कौन सी है, कॉलेज से अप्रूवल कौन सा चाहिए, उसके बाद में आपका जो है वो एफिडेविट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर जो क्या किया है वेबसाइट में एक साथ में जो है वो दो लिंक ओपन कर दिए हैं। एक लिंक जो है वो ओपन है, आपको मैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आ चुके हैं हम आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे आपको जो पोर्टल दिख रहा है ये पोर्टल जो है वो आपका डी फार्मेसी वाले कैंडिडेट हैं, बी फार्मेसी वाले उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर जो पोर्टल एक्टिवेट हुआ है ये वाला ऑनलाइन पोर्टल फॉर री रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 2, ठीक है, फार्मेसी एक्ट 2011। इसके अंडर क्या है आपका जो भी प्रीविशेज जो है वो जिन रजिस्ट्रेशन होल्डर जिन्होंने की कंप्यूटर वगैरह हो गए, उसके बाद में आपका जो है टेंथ प्लस जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पे जिन्होंने लिए है रजिस्ट्रेशन उनका यहाँ पर ये पोर्टल है और उनका पोर्टल भी ओपन हो चुका है। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जिन कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है वो फिर से अपनी री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए पोर्टल यहाँ पर जो ओपन हो चुका है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर 32C ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, कैंडिडेट हु पोजेज मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट कोर्स, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट फर्दर ऑप्शन खुलेंगे। उससे पहले जो है वो आप वीडियो पूरी देख लीजिए क्या क्या क्वेरीज हैं, खुद से अपलोड मत कीजिएगा डॉक्यूमेंट क्योंकि हो सकता है उनकी क्वालिटी लो हो जाए, आप किसी अच्छे तरीके से ना जो है वो अप्लाई कर सकें, किसी ऑनलाइन कैफ़े वगैरह से जाकर ही फिलअप करवाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं जो है वो पूरी पीडीएफ डिटेल में बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। इसके बाद में एफिडेविट का फॉर्मेट जो हो गया और जो है आपका करेक्टर जो हो गया, एफिडेविट किस तरह से फिलअप करना है, उसके बाद में आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से फिलअप करना है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपके सामने पीडीएफ मैं लेकर आया हूँ पूरी, जिसमें कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स जितने रिक्वायर्ड हैं, आइडेंटिफिकेशन स्लिप और एफिडेविट भी इसी में अटैच है, किस तरह से फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सारी बातें जो है हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। तो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट डिप्लोमा मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट कोर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए 10th की मार्कशीट, ठीक है, देन आपको चाहिए 12th की मार्कशीट, देन आपके पास जो है वो मेडिकल असिस्टेंट जो है आपने कोर्स किया है फार्मासिस्ट का कोर्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। इसके बाद में अगर कैंडिडेट कोई भी रिटायरमेंट ऑर्डर कॉपी या फिर कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज से है जिसके पास मेडिकल असिस्टेंट का जो है वो डिप्लोमा है, वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है अपनी फ्रेश, ठीक है, तो वो इसके अंडर करवा सकते हैं। मोस्टली ये जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और इन कैंडिडेट्स के पास पहले से अगर कोई कॉपी है ड्रग लाइसेंस वगैरह की लाइसेंस होल्डर हैं तो ये तो री रजिस्ट्रेशन के अंडर ही जाएंगे, बट इसमें भी जो है वो पैराग्राफ दे रखा है तो ये दोनों जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है मेडिकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स का। अप्रूवल ऑर्डर कॉपी ऑफ जेके पैरामेडिकल काउंसिल विद रिकॉर्ड टू अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडर जेके पैरामेडिकल काउंसिल एक्ट 2014, ठीक है। अप्रूवल ऑर्डर कॉपी जिस सेशन में आपने एडमिशन ली थी उस सेशन की जो है वो हर सेशन में क्या होता है कि जेके फार्मेसी काउंसिल और उसके बाद में जो है आपका जेके पैरामेडिकल जो काउंसिल है वो एक अप्रूवल देती है कॉलेजेस को कि आपके पास इतनी इनटेक कैपेसिटी है बच्चों की। फॉर एग्जांपल 2018-19 की बात कर लें हम तो 18-19 में जिस कॉलेज को अप्रूवल मिलेगा कि आपके पास में 30 या फिर 50 कुछ भी सीट्स जो है वो इनटेक कैपेसिटी है आपको कैंडिडेट्स की, आप इसमें मेडिकल असिस्टेंट में कैंडिडेट्स को एडमिशन दे सकते हो, वो वाली अप्रूवल कॉपी आपको जो है वो अपने कॉलेज से जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर आप उस उनसे जो है वो हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि आपको ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आपको सॉफ्ट भी मिल जाती है तो आप उसके हार्ड कॉपी करवा के रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो वो है ये ऑर्डर अप्रूवल कॉपी। उसके बाद में जो है वो आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट जो थे जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी फार्मेसी के अंडर, उसके बाद में जो है वो जितने भी कैंडिडेट थे उनका अपने अपनी जीएमसी जो है हमारी जो कि हमारा पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल है उसके अंडर जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो रखी होंगी और आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नीचे यहाँ पर दे रखा होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जेके पैरामेडिकल काउंसिल अंडर पैरामेडिकल काउंसिल एक्ट 2014। ऐसा करके जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन में एक जगह पर मेंशन होगा नीचे वाली साइड में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। वो कैंडिडेट जो है वो
अपना रजिस्ट्रेशन वो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटी स्लिप विद सिग्नेचर सील ऑफ प्रिंसिपल कस्टर्ड ऑफिसर और इक्विवेलेंट रैंक, ठीक है। ये मैं नीचे आपको जब करेक्टर दिखाता हूँ तब आपको मैं समझाता हूँ क्या है पूरा। उसके बाद में आपको आधार कार्ड की डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। सुजेस्टिव एड्रेस प्रूफ, आपको कोई एक वैलिड अपना एड्रेस प्रूफ देना है, आधार कार्ड है वो भी चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल आप अपलोड कर देंगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद में अगर आपके पास पासपोर्ट है वो भी आपका वैलिड माना जाएगा इसके लिए। आइडेंटिटी प्रूफ, अपनी आइडेंटिटी के लिए जो है आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी चलेगा, ठीक है। आपके पास में 1 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए विद बैक, जो बैकग्राउंड होना चाहिए उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। देन ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास अपनी, एक सिग्नेचर आपका चाहिए होगा। देन आपको अपना पर्सनल जो है वो अकाउंट डिटेल्स चाहिए, ठीक है। देन आपका फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर कुछ भी है आपको वो देना है, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट जो है वो परसू की है विद इन यू टी जे के, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, उनकी जो यहाँ पर है वो फ़ी लगने वाली है 3000 रुपीज़। और जो है वो जिन्होंने आउटसाइड द यू टी जे के करी है उनका यहाँ पर जो है वो 3500 रुपीज़ फ़ी लगने वाली है। उसके बाद में आपको एफिडेविट चाहिए होगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देखिए फर्स्ट क्लास जो आपका ऐसे मैजिस्ट्रेट अगर हम बोलें तो वो आपका रेवेन्यू के अगर जो होते हैं वो तहसीलदार माने जाते हैं, बट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो आपके कोर्ट के जो है वो जज ही माने जाते हैं। आपको जज का ही जो है वो एफिडेविट यहाँ पर चाहिए होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको पता ही है jkpc.in। तो ये थे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल असिस्टेंट वाले, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास हमारे पास आ चुका है एफिडेविट का फॉर्मेट, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, देख लीजिए किस तरह से फिलअप करना है। सबसे पहले जो है डैट आई एम अपना नेम यहाँ पर, सन ऑफ डॉटर ऑफ आपको मेंशन करना है, अपना एड्रेस मेंशन करना है सोलेमनी। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाना है कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। मैट्रिक आपने पास करी है, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से आपने की है मैट्रिक, आपका रोल नंबर क्या था और आपका सेशन क्या था। आपने 12th से जो है वो कहाँ से पास आउट करी है, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से करी है, जेके बोर्ड से करी है, CBSE, जो आपको मेंशन करना है। देन आपका अपना रोल नंबर मेंशन करना है और अपना सेशन मेंशन करना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ पर डेट द टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्लेम माई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट ऑफ मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैज़ बिन एक्वायर्ड आफ्टर अटेंडिंग कोर्स रेगुलर कैंडिडेट वाइड रोल नंबर। आपको जो है वो अपना फाइनल ईयर का जो है वो अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, सेकेंड ईयर का अपना यहाँ पर सेशन लिखना है और अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है, जो भी आपका कॉलेज है उसका आपने यहाँ पर नेम मैंशन करना है, ठीक है। डैट इंस्टीट्यूशन नेमली, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है अपने कॉलेज का, सिचुएटेड डैट कहाँ पर है, ठीक है, हैज़ होल्ड द वैलिड रिकोगनाइजेशन फ्रॉम पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकोगनाइजेशन फाइल का जो है वो आपको यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिखना पड़ेगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर इनक्लोज, जो आप अपने आपको मैंने दिखाया आपको अप्रूवल कॉपी जो मिलेगी अपने कॉलेज से उसमें एक फ़ाइल नंबर होगा, वो फाइल नंबर आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका जो है वो जब जज के सामने आप एफिडेविट ले जाएंगे तो तब आपको वो साथ में देना पड़ेगा, क्योंकि वेरीफाई करने के बाद ही वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम फिफ्थ पॉइंट की बात कर लें, यहाँ पर आपको बताया हुआ है यहाँ पर डेट आई ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जेके पैरामेडिकल काउंसिल, ठीक है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने काउंसिल से लिया है पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से, उसमें अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, देन आप कौन सा डेट और उसका वैलिड अप टू कब तक वैलिड है वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और ड्यूरिंग द परसुइंग आपने इस टाइम पे जो है कोई भी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, कोई भी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कोई भी आप जो है वो वर्क नहीं कर रहे थे, आपने रेगुलर होकर कॉलेज अटेंड करा है, ठीक है। और अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप यहाँ पर उसमें मेंशन कर सकते हैं माई लास्ट पोस्टिंग वाज, उसमें अगर नहीं अदरवाइज तो आप इसको ऐसे करके डॉट करके ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी इम्प्लॉय हैं तब भी ठीक है, नहीं तो आप इसको इस तरह से करके कर दीजिएगा। और अगर आपके पास लाइसेंस होल्डर हैं तो आप तब भी वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं हैं तो आप उसमें इस तरह से डॉट करके उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिल या फिर टिक इफ़ एप्लीकेबल, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तो ये है आपका एफिडेविट, ठीक है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के इसे साइन होंगे, ठीक है, उसके बाद ही जो है वो आपका ये वैलिड माना जाएगा। तो ये है पूरा एफिडेविट फिलअप करने का प्रोसीजर। इसकी पीडीएफ, डॉक्यूमेंट की पीडीएफ, ये पूरी एक ही पीडीएफ आपको दूंगा, अपने तीनों का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और अपना जो है वो प्रोसेस शुरू कर देना है। इस तरह से आपके पास में करेक्टर स्लिप आ जाती है। करेक्टर स्लिप में आप जो है वो अपना नेम, आप कहाँ पर रहते हैं, रेजिडेंट क्या है और कितने ईयर से आप लास्ट वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। फोटोग्राफ एंड स्पेसिमम सिग्नेचर इन लेटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस आर रिसेंट, 4 सिग्नेचर करने हैं आपको यहाँ पर अपना। देन आपको यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर चाहिए आपका, आपका यहाँ पर फोटोग्राफ लगेगा, कोई भी किसके गेस्टेड ऑफिसर हो कोई भी, या फिर प्रिंसिपल, या फिर कोई भी ऑफिसर हो प्रिंसिपल के इक्विलेंट, तो वो इसके लिए वैलिड है आपके करेक्टर स्लिप के लिए,
ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स, होप आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। इस एफिडेविट का और करेक्टर की जो है वो इस पूरी पीडीएफ को ही मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर सीधा इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरीज रह जाती हैं अगर आपकी टेलीग्राम चैनल है आपके पास, आप जो है वो सीधा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।